बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का ज्वाइन करने के लिए। जहाँ जहाँ सभी आप सभी ज्वाइन कर रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डेली विजर्स भाइयों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप सभी की रेगुलराइजेशन को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज 7 मार्च है, तो आज जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कश्मीर में विजिट था, तो काफ़ी सारे डेली विजर्स भाई हमें कमेंट कर रहे थे कि हमें अपडेट करो क्या यहाँ पर डेली विजर्स के बारे में वहाँ पर बात हुई या नहीं हुई, क्या डेली विजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर यहाँ पर जितने भी मसले मसाइल है क्या उनको लेकर यहाँ पर कोई भी थोड़ी सी बात हुई या नहीं। पूरी डिटेल से आगे बताऊँगा क्या वहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर बात की गई, क्या यहाँ पर आपकी रेगुलराइजेशन को लेकर यहाँ पर बात की गई या नहीं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये सब जाने से पहले जितने भी डेली विजर्स भाई चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस भी डेली विजर्स भाई ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में विजिट था, तो जितने भी डेली विजर्स थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा आशा और उम्मीद थी कि हमारे बारे में यहाँ पर बात ज़रूर होगी। और जो यहाँ पर डेली विजर्स भाइयों ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था 4 मार्च को, और उनका कहना था कि अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कश्मीर आने वाले हैं, तो उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा आशा उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि हमारे बारे में यहाँ पर बात ज़रूर की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कश्मीर के आने से अगर किसी को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, तो वो यहाँ पर 61,000 परिवार है डेली विजर्स जितने भी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा आशा उम्मीद है। और जितने भी SPOs है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे बारे में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू यहाँ पर 500 से 600 दिन उनको कंटिन्यू यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए हो गए हैं। अब उनको लग रहा था कि हमारे बारे में यहाँ पर बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ जहाँ तक हमें पता चला है कि आपके बारे में यहाँ पर कोई भी वहाँ पर बात नहीं हुई है। अभी ये कंफर्म नहीं है, मैं यहाँ पर आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ जहाँ तक हमें पता चला है कि आपके बारे में यहाँ पर वहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी डेली विजर्स भाइयों के क्या कुछ रिएक्शन आते हैं इस पर, क्या यहाँ पर डेली विजर्स भाई आगे और प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि सरकार ने हमें 9 मार्च तक का समय दिया है। उनका कहना है कि 9 मार्च से पहले पहले अगर हमारी रेगुलराइजेशन को लेकर कोई फैसला नहीं आया, तो हम जो आगे फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे उन्होंने 4 मार्च को यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने यहाँ पर पहले ही 1 महीने से पहले यहाँ पर बता रहे थे कि हमने 4 मार्च को एक बड़ा अगर हमारी रेगुलराइजेशन को लेकर कोई भी फैसला नहीं आता। अब उनका क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्या वो आगे फिर से प्रोटेस्ट करेंगे अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर, वो इंटरव्यूज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके रिकॉर्डिंग कोई भी अपडेट आती है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।